नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह शेयर है रिलायंस पावर लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस पावर का शेयर आज के दिन 12 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1995 को हुई थी, यानी कि 28 साल पहले। इसके जो फाउंडर है वे धीरू भाई अंबानी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे इलेक्ट्रिकल पावर, नेचुरल गैस, सर्विसेज की बात की जाए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है वे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनीज की बात की जाए दोस्तों तो ये अनिल अंबानी जी की कंपनी है। और इसका आप लोग चार्ट भी देख सकते हैं जिसमें जो हाई लगाया हुआ है वो 23 मई 2008 को लगाया हुआ है। इसने जो हाई लगाया है वो 274.81 रुपये का है। अभी काफी सस्ते रेट पे ये मिल रहा है। और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके जो प्लांट जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है वो मुंबई यानी महाराष्ट्र में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और गोवा और आंध्र प्रदेश में भी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके प्रोजेक्ट्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 33,480 मेगावाट की है। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों डिलीवरीज की बात की जाए तो रिलायंस पावर में जो डिलीवरीज है वो भी काफी अच्छी हो रही है। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है आने वाले समय में कंपनी अपनी होल्डिंग बढ़ा सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी रिलायंस जियो ने इसको टेक ओवर कर लिया है और कंपनी की कमाना मुकेश अंबानी जी के हाथों में है। और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो मुकेश अंबानी जी द्वारा लिया जाएगा जो कि अनिल अंबानी जी के बड़े भाई हैं। तो बहुत ही जल्द कोई गुड न्यूज इसमें आ सकती है दोस्तों। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फिर इसका स्टेक परचेज कर सकती है रिलायंस पावर लिमिटेड का आने वाले समय में। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोग अभी इस लेवल पे कर सकते हैं। अगर थोड़ा और डाउन जाता है तो वहां पे आप लोग और भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है क्योंकि दोस्तों बजट के कारण आज कुछ गिरावट रही है शेयर में, लेकिन कल से काफी शेयरों में सुधार आ सकता है क्योंकि आज बजट था, इस कारण से काफी उतार चढ़ाव देखा गया। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक को शेयर को कैश में बाय कीजिए और इसकी जो डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और आप इसको अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले एक से दो सालों में यह स्टॉक 3,300 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। मीडियम टर्म की बात की जाए अगर आप इसको 4 से 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो यह स्टॉक 60 रुपये के जाता 60 रुपये के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए अगर 8 से 10 साल अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये स्टॉक 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक जाते हुए नजर आ सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से भी आने वाले समय में इसको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, यानी पूरी इंडिया में भी ये अपना कवरेज दे सकता है। और हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है और ये अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड भी प्रोवाइड कर सकता है आने वाले समय में। तो आने वाला समय इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर को कैश में बाय कीजिए, इसके जो शेयर की डिलीवरी है वो अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए और आप इसको अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 2 साल में यह स्टॉक 3,300 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप इसको मीडियम टर्म यानी 4-5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो यह शेयर 50 रुपये के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए 8 से 10 साल अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो इसका स्टॉक 100 रुपये के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों आप लोग चाहें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जिस तरीके इन्वेस्टमेंट करना चाहें वैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए शेयर का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग
अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।